अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आपके साथ एक बड़ी अच्छी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। वो वीडियो है जी, हम लोग किस तरीके से अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप लोगों के नॉलेज में है कि सबसे पहले ब्रांड की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें अपना कोई लोगो, कोई डिज़ाइन और आपकी कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए ऐसी, जिसकी बेस पे जो हमारी पब्लिसिटी करवा सके। आप लोगों के नॉलेज में है हम लोग तमाम कारोबारी हजरात, चाहे हम लोग कंपनी हो, चाहे हम लोग पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे हम लोग इंडिविजुअल हो, तमाम लोगों के पास इख्तियारात हैं कि जिस नाम से भी कारोबार कर रहे हो उस नाम को या अपना कोई आपने लोगो या डिज़ाइन कोई क्रिएट किया हो उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए। आप लोगों के नॉलेज में इस चीज़ का भी है सिलसिला कि इनको प्रॉपर रजिस्टर करवा के ताकि कोई दूसरा बंदा इसको ले ना सके, ना हम लोग किसी को दे सकें, इसको चैलेंज भी किया नहीं जा सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 में और ट्रेडमार्क रूल्स 2004 में किस किस तरीके से बंदा अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवाता है। हमारे पास उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ चल रही है। बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होगी तो हमारे ब्रांड की रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। ब्रांड की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें डेफिनेटली अपने कोई ना कोई डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, कोई लोगो बनाना पड़ता है जो हमारी पॉपुलैरिटी करते हैं। लेट सपोज हम आपके सामने दो तीन मिसालें भी शेयर कर सकता हूँ। बड़े बड़े नाम तो बहुत अच्छे यहाँ पे चल रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी उनके ब्रांड से ही होती है, कोई भी उनके बिजनेस को नहीं जान रहा होता, इसीलिए इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि कोई हमारे उस ब्रांड को चुरा नहीं सकता। आपको पता है इसका तरीकाकार ऐसे है कि इसकी एप्लीकेशन जब हम लोग इसको सर्च पर डालते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी प्रॉपरली सर्चिंग करता है, पूरे दुनिया में इसको चेक करते हैं कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है क्या आया किसी दूसरे बंदे के बिजनेस, दूसरे बंदे का जो लोगो जिस बंदे ने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हो उससे मिलता जुलता नहीं हो, या कभी होगा तो उससे मिलते जुलते इंफॉर्मेशन दे के उससे थोड़ा चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। फिर इससे अगला प्रोसेस है जी, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, हम लोग हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर मिल जाता है जिसपे हम लोग डिपार्टमेंट से प्रॉपरली कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। हमने अपना मार्क रजिस्टर करवाना है, बेसिकली आपको पता है कुछ बिजनेस के ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस होते हैं जिनकी बेस पे हम बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए मामला किए जाते हैं। सबसे एंड में इसका फिर एंड में लाइसेंस इशू किया जाता है। डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है कि किसी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दे और किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। इन तमाम चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना है।